वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन हॉल में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके अंदर ये स्ट्रेस रहेगा कि आपको कैसे वहां पर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सिस्टम जो होता है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो आज से आपको ये डर जो है नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको सेम ऐसा ही देखे दिखाने वाली हूँ। सेम ऐसा ही आपको माउस जो है मिलेगा, ये कीबोर्ड रहता है और सामने आपके ऐसा सिस्टम रहता है और ये सब कुछ ओपन होता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि काइंडली गेट इन टच विद द इनविजिलेटर इफ देयर आर एनी डिस्परेंसीज इन द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और इफ द फोटोग्राफ इज नॉट योर्स। इसका मतलब यहां पर देखिए अभी लिखा है जॉन स्मिथ, यहां पर भी कोई फोटो नहीं है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तो वहां पर आपका नाम होना चाहिए, यहां कैंडिडेट्स नेम की जगह पे आपका नाम होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए। तो जैसे ही आप बैठते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि क्या आपका फोटोग्राफ आपका नेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए लिखा है कि आपको तुरंत अपने जो भी उस एग्जाम हॉल में जो लोग भी होंगे, बहुत सारे जो होते हैं हेल्पिंग के लिए होते हैं, तो उनसे आप बोलिए कि आपका जो है नाम नहीं दिख रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है। आप बिल्कुल भी हिचकिचाना मत कि मुझे शर्म आ रही है फिर कोई क्या सोचेगा, जी नहीं, वो लोग आपके ही हेल्प के लिए होते हैं। तो आपका नेम फोटोग्राफ सबसे पहले चेक कर लेना, उसके बाद आपको बैठे रहना होगा। अब यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए माउस के बारे में दिखा रही हूं कि ये देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए माउस है, तो इसमें से बहुत से लोग सोचेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। और ये कीबोर्ड है, देखिए इस कीबोर्ड का कोई भी काम नहीं है, बट ये वहां पर रहता है, आपको केवल इस माउस का काम है, पूरा पेपर इसी माउस से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इस माउस में एक है लेफ्ट बटन, एक है राइट बटन, बट आपको क्या करना है, केवल लेफ्ट वाले ही बटन से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ये देखिए इस वाले से। अब जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर रोल नंबर है और यहां पर पासवर्ड है, तो आपको रोल नंबर वहां पर कैसे फिल करना होगा, तो ये देखिए कीबोर्ड का साइन बना हुआ है यहां पर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये सारे नंबर जाएंगे। तो जो भी आपका नंबर होगा इसको आपको माउस की हेल्प से, यहां पे देखिए इस माउस की हेल्प से आपको, जैसे सपोज दैट ये टू नंबर करना है, तो देखिए टू नंबर, जो भी आपका रोल नंबर हो, थ्री फोर, लेफ्ट बटन से ऐसे करके आप अपना जो भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, तो वहां पर ये सारी चीजें रहेंगी और पासवर्ड आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, साइन इन, जब आपके एग्जामिनर जो वहां पर इनविजिलेटर होते हैं वो बोलेंगे साइन इन करने के लिए, तो आप जैसे ही उस पर ऐसे साइन करेंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस खुलकर आता है, सेम ऐसा ही आता है, आपको ध्यान से देखना है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, यहां पर तो सबसे पहले आपकी फोटो रहेगी, यहां पर तो ये एक मैं डेमो दिखा रही हूं, इसलिए यहां पर आपको लिखा है व्यू इन, यहां पर इंग्लिश है हिंदी है, तो मतलब आप ये पूरा जो है इंटरफेस जो है ऐसा जो खुला रहेगा वो आपको किस में देखना है। तो जैसे ही आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो आप चाहे तो इसको हिंदी में कर लो चाहे तो इंग्लिश में कर लो, तो जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो मैं इसको इंग्लिश में ही रहने देती हूं। अब यहां पर देखिए ये जो चार साइन है, ये कलर सबसे पहले ध्यान में देखिए, ये देखिए ये सब आपको वहां पे पढ़ने के लिए दिया जाता है, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे पहले ऐसा ब्लैंक आएगा, इसका मतलब ये देखिए ग्रे वाला, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट रेड, जब भी रेड कलर आए इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, जब ग्रीन कलर आएगा इसका मतलब आपने आंसर दिया है, और जब बैगनी कलर आएगा इसका मतलब आपने क्वेश्चन को मार्क किया है बाद में देखने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। अब चलो हमको नेक्स्ट करना है, देखिए अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको एक डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करना होगा, मतलब अगर आप इसको हिंदी में सेट कर लोगे तो ये पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना वो किस में आएगा, हिंदी में आएगा, और अगर आपने उसको पूरा इंग्लिश में सेट कर लिया तो पूरा इंग्लिश में आएगा। बट यस, आप जब चाहे तब क्वेश्चंस को जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको मान लो हिंदी में कर देती हूँ, ठीक है हिंदी में कर दिया मैंने, और यहां पर आपको ऐसे इस पर क्लिक करना होगा कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो इसको इस पे ऐसे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसका मतलब यहां पर लिख के आ चुका है कि आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब मैं एग्जाम जो है स्टार्ट करने के लिए अब एकदम तैयार हूं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए ऐसा सेम ऐसा ही खुलकर आएगा आपके सामने। अब जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिए यहां पर आपका एक पेपर वन है, ठीक है इस पेपर वन में क्या है, ये लैंग्वेज है, यहां पर लैंग्वेज टू इंग्लिश है, यहां पर लैंग्वेज टू हिंदी है। याद रखना कि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, अगर आपने लैंग्वेज टू में हिंदी रखा है तो लैंग्वेज टू वाला करना, लैंग्वेज टू में अगर आपने इंग्लिश रखा है तो वो करना। और यहां पर देखिए ये चीज, ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूं, ये देखिए ये आपका खुल गया है, ये कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहां पर पहले आपको दिखा रही हूं, ये देखिए ये आपका क्या खुल गया है, लैंग्वेज वन इंग्लिश। तो जो लोग लैंग्वेज वन में इंग्लिश रखे होंगे उनको लैंग्वेज वन करना है, जैसे आप यहां पर करोगे देखिए ये क्या खुल गया, लैंग्वेज टू की इंग्लिश है।
तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको वहां पर सेम मिलेगा ही। ये देखिए ये हिंदी है। अब एक चीज देखिए, यहां पर आपका टाइम भी चलता रहेगा, ये देखिए टाइम भी आपको साथ साथ पता चलेगा। दूसरी चीज यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यहां पर देखिए आप जब चाहें, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बस एक हिंदी का पूरा पेपर हिंदी में आएगा, बाकी सब कुछ जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये हिंदी लिखा है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो देखो इंग्लिश हो गया, देखा आपने चेंज हो गया। इसलिए डरना नहीं है कि लैंग्वेज में क्या कैसे चेंज करेंगे कैसे नहीं। ये देखिए अब जैसे कि मैं आपको डेमो दिखा रही हूं, ऐसा क्वेश्चन खुलकर आएगा तो यहां पर देखिए आपको आपके जो ये ऐसे करोगे तो आपका ये पूरा आ जाएगा वहां पर भी, बट आप इसको इतने ही रहने देना। ये देखिए ये ग्रीन का मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, रेड का मतलब आपने आंसर नहीं दिया है, पर्पल का मतलब, बैगनी का मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो चलो एक बार इसको करके देखते हैं। यहां पर देखिए ये छोटा सा जो एरो दिख रहा है ना, तो आप इस पर जैसे ही माउस से क्लिक करोगे ना, ये क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, देखिए ठीक है। अब यहां पर देखो, मान लो ये क्वेश्चन जो भी है, अभी हम इसको पढ़ते नहीं है, आपको समझाना है तो मैं आपको समझा रही हूं। ये क्वेश्चन है, मान लो मैंने इसमें ये सेलेक्ट कर दिया वन, अब इसके बाद से जैसे मैंने इस पर ये सेलेक्ट कर दिया, देखो माउस से आपको सारा काम करना है, ये मैंने माउस से ही किया है, ये जो लेफ्ट वाला बटन है ना केवल इसी से दबाकर मैंने क्वेश्चंस को कर दिया। अब आपको क्या करना है यहां पर, सेव एंड नेक्स्ट, याद रखना सेव एंड नेक्स्ट करना है तो वो आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा। अब इसमें मैं क्लिक करूंगी, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो यहां पे ग्रीन हो गया, इसका मतलब मैंने आंसर दे दिया है। अब ये रेड आ गया है तो रेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पर फिर से क्वेश्चन करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे कि मान लो ये फोर वाला क्वेश्चन मुझे नहीं करना, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, बस ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगी बिना इसको किए, देखिए तो भी ये क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है। याद रखो ये जो मार्क फॉर रिव्यू है ना, देखिए जैसे आप इस पर ये क्वेश्चन जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये अपने आप हो जाएगा। देखो ये देखिए यहां पर पर्पल कलर आ चुका है, तो देखिए जैसा कि यहां पे पर्पल कलर आपको दिख रहा है आप समझ गए होंगे ना इसका मतलब मार्क फॉर रिव्यू। एक और मैं आपको करके दिखा रही हूं, देखिए यहां पर लिखा है, अब इसको माउस से ही करना है, कीबोर्ड का कोई काम नहीं होता है, बस जस्ट ऐसे ही आपके सामने रखा होता है। जैसे कि देखिए मैं माउस का क्या करूंगी, ये वाला इस पर ऐसे क्लिक करूंगी तो देखो मार्क फॉर रिव्यू, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखो पर्पल आ गया, आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि लास्ट में आपको ऐसे देखने में आसानी होगी कि कितने क्वेश्चंस आपके नहीं हुए हैं वो रेड वाला है, और कितने क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है वो पर्पल कलर है, और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है वो आपका ये ग्रीन कलर वाला। तो चलिए मैं आपको एक लैंग्वेज का दिखाती हूं, देखिए जैसे कि यहां पर आप जैसे ऊपर देख रहे होंगे इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपका यहां पर लिख गया, यहां पर देखिए ये ब्लू हो गया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश कर रहे हो। यहां पर देखिए जैसे आप क्लिक करोगे इसका मतलब आपका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। तो ये देखिए इंग्लिश में ये मान लो ये पैसेज है पूरा, तो इस पैसेज को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ऐसे आपको करके पढ़ना होगा पूरा पैसेज, ये देख रहे हैं ये जो चीज है ना इसको माउस से आपको ऊपर नीचे करना है ये, और माउस से मैंने कैसे किया यहां पर देखिए ये जो लेफ्ट वाला बटन है ना इसको दबाए रखना है, और धीरे धीरे देखिए आप ऐसे करेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। तो ये मैं सोचना कि पैसेज कैसे हम स्क्रोल करेंगे, तो सपोज दैट मैंने ये इंग्लिश का एक किया और ये देखिए यहां पर मैं ऐसे सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी, तो आप नहीं करोगे तो ये रेड हो जाएगा, आप करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा, अब जैसे कि सपोज दैट मैं अगर इस पे करती हूं ये देखिए तो ये आपका क्या आ गया लैंग्वेज वन इंग्लिश आ गया, ये देखिए ये हिंदी है तो ये आपका क्या आ जाएगा हिंदी है। तो आप जो चाहे इसमें करें ना करें, करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, सेम वैसा ही है, यहां पर आपका टाइमर चलता रहेगा और लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे उसको क्या करना होगा, मार्क फॉर रिव्यू में जो भी होगा आपको उसको देखना है, और ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके छूटे हैं कितने क्वेश्चंस नहीं छूटे हैं। तो समझ गए होंगे आप, ये सेव एंड नेक्स्ट करना है अगर आपका हो जाए तो, मार्क फॉर रिव्यू करना है, और यहां से आपको ऊपर से पूरा ये लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करना है, और यहां पर टाइमर ये देखिए यहाँ पे आप टाइम देखते रहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं, कितने क्वेश्चन इस टाइम के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करेंगे। दूसरी चीज कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर सिस्टम जो है हैंग हो जाता है, जैसे कि मान लो ये जो है आपका ग्रीन नहीं हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर हम सेलेक्ट करें जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूं, जैसे कि यहां पर ऐसे नहीं हो रहा है ठीक है, और यहां पर आप क्या कर रहे हो सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो, तो अगर ऐसा ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत अपने इनविजिलेटर जो वहां पे क्लास में जो भी होंगे उनसे तुरंत बात करना, ये मत सोचना कि अरे नहीं क्या कोई सोचेगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद से जब आप सारा क्वेश्चन कर लोगे ना तो यहां पर देखिए ये रहा सबमिट, इस पे आपको ऐसे सबमिट करना होगा, ये अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही होगा है, और वहां पर भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तुरंत सबमिट हो जाएगा। और ये देखिए ये प्रीवियस लिखा है, आप प्रीवियस का मतलब क्या है, आप पुराना क्वेश्चन भी तुरंत
जैसे कभी कभी होता है ना कि एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ फिर ऐसा लगता है अरे नहीं, तो प्रीवियस भी कर सकते हो, ठीक है। और यहां से क्या है, क्लियर रिस्पॉन्स, तो इसके बारे में नहीं सोचना है आपको, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट एंड सबमिट, पूरा एग्जाम इतने में ही सॉल्व हो जाता है। और बहुत अच्छा है, जब चाहे तब आप इस पर ऐसे क्लिक करके अपना आंसर देख सकते हैं। देखिए जैसे मुझे पहला देखना है तो मैं पहले पे क्लिक करूंगी, तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन आ गया, आप देख रहे हैं कितनी आसानी होती है। जैसे थर्ड क्वेश्चन मुझे तुरंत चाहिए अपना, तो आपको ये नहीं कि आप पूरा इसको ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे जा रहे हैं 16, नहीं, जो 11 क्वेश्चन क्लिक करना है, ये देखो 11 क्वेश्चन क्लिक किया, 11 क्वेश्चन आ गया, तो सारा ऐसे ही है। आपको ईवीएस देखने को मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स, ये देखो मैथमेटिक्स का दिखा देती हूँ, ये देखिए मैथमेटिक्स है आपका, ये पेपर वन पेपर टू दोनों का है, ये देखिए आप जो चाहे इसमें से, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया है और यहां पर देखिए ये देखा आपने ग्रीन हो गया, तो मैथ में आपको अगर ये हिंदी में है नहीं समझ में आ रहा तो ये इंग्लिश में कर लो, ये देखो हो गया ये इंग्लिश में। और ये क्या करना है, यहां से आपको इसको ऊपर नीचे ऐसे करना है, ये देखिए ऐसे करना होगा। एनवायरमेंटल ईवीएस का देख लीजिए, तो जो डिफॉल्ट लैंग्वेज में आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें आएगा, ये देखिए आप, चलो मैं इसको हिंदी में चाहती हूँ तो इसको हिंदी में कर देती हूँ, लैंग्वेज आप तुरंत यहीं ऊपर ही है, ये देखिए। अब ये मान लो ये मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीन, मतलब मेरा ये हो गया। अब इसको मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, मार्क फॉर रिव्यू, ये देखिए तो ये हो गया पर्पल। तो अगर लास्ट में मुझे कोई मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं तुरंत इस पे जाऊंगी, बैगनी वाले कलर पे, और तुरंत मेरा सामने जो है ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो बहुत सिंपल है, आप इसे बहुत आराम से करेंगे, बस एक ही काम करना है आपको, लैंग्वेज चेंज करना है और यहां से मार्क फॉर रिव्यू करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट में सेम प्रोसीजर है। यहां आपका फोटो होगा, यहां पर आपका नाम होगा, यहां पर आपका लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे टाइमर है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, तो कितना इजी है। तो देखिए अगर आप इस तरह से करना चाहें तो बहुत हेल्पफुल है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से मैं एग्जाम कैसे क्रैक करना है छोटी सी हर छोटी चीज मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा मैं हर स्ट्रेटेजी आपको शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।